गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। हम स्टडी कर रहे थे पोलिनेशन के बारे में। उसमें हमने पोलिनेशन के बारे में तो हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है? हम फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन से पूर्व निषेचन और निषेचन के बाद पढ़ा। तो हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने पहले क्या फॉर्म किया, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन किया, सेकेंड एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, थर्ड है हमारा पोलिनेशन। ओके, पोलिनेशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुकी है फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट, पोलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू अ फ्लॉवर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम अनदर फ्लॉवर इज कॉल्ड पोलिनेशन। क्या होता है? स्टिग्मा, ये पोलन जो स्टिग्मा से, एंथर से स्टिग्मा में जाता है, वो क्या होता है? पोलिनेशन। आप हमने डायग्राम में देखा था। ओके, एक सेकेंड, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये यहाँ पर देखा था कि ये स्टिग्मा होता है। यहाँ से क्या करते हैं, ये जो एंथर होते हैं, ये एंथर ये स्टिग्मा पे लगकर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ने पढ़ा था पोलिनेशन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पोलिन। ये आप देख सकते हो, ये एंथर और ये स्टिग्मा है। तो ये क्या करते हैं, ये एंथर दिख रहे हैं, ये पोलन सेक, पोलन ग्रेन, ये ऐसे क्या करते हैं, इसमें से यहाँ पे चले जाते हैं। ये कहाँ पर है? स्टिग्मा पे जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। ओके, पोलन जो एंथर से कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा पे। यहाँ देख सकते हो आप, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, पुंकेसर के पराग कोश के पराग कणों का उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के किसी पुष्प में वर्तिकाग्र पर जाना परागकण कहलाता है। एक पौधे से भी दूसरे पौधे में जा सकते हैं या खुद एक पौधे में भी हो सकता है ये। ओके, दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। परागण क्या, पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। हमने स्टडी करी थी कि सेल्फ पोलिनेशन मतलब जो खुद ही के प्लांट में होते हैं, और ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाना, ठीक है ना, एक से दूसरे में जाना, उसको बोलते हैं क्रॉस। सेल्फ मतलब एक ही प्लांट के अंदर होना। ओके, सेल्फ पोलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोगेमी और ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी। ओके, और थर्ड हम पढ़ेंगे, वो जो पढ़ेंगे जीनोगेमी। जीनोगेमी ये क्रॉस पोलिनेशन का टाइप है। ओके, अब तीनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर इसमें क्या होता है, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि ऑटोगेमी में दो टाइप्स होते हैं, चिस्टोगेमस और एक चेस्मोगेमस। चिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस, ये ऑटोगेमी के दो टाइप्स यहाँ पर आपको बुक में भी दिए गए हैं। चेस्मोगेमस को हम होमोगेमी भी कह सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा, चिस्टोगेमस में क्या होता है, फ्लावर रिमेन्स क्लोज। ये क्या करते हैं, अपने पोलन से स्टिग्मा देकर, जो पुंकेसर देते हैं पोलन से क्या करते हैं, स्टिग्मा पे अपने वो देकर क्या करते हैं, अपने आपको क्लोज कर लेते हैं। ये यहाँ पर दे दिया और फिर अपने आपको क्लोज कर लेते हैं। ये वैसे फ्लावर्स होते हैं चिस्टोगेमस। लेकिन जो प्लेस्मोगेमस है वो क्या होते हैं, मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा को पोलिनेशन एजेंट के रूप में करते हैं। एजेंट, तो पोलिनेशन एजेंट क्या होता है अभी मैं बताऊंगी आपको। लेकिन जो कैस्मोगेमस होता है वो क्या करता है, जो मैच्योर एंथर और स्टिग्मा दोनों, ये एंथर किसका है, मेल का रिप्रोडक्टिव अंग और स्टिग्मा फीमेल का, तो ये जब दोनों मैच्योर हो जाते हैं तो इनको क्या करते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में लाते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट, जीटेनोगेमी। ये क्या होता है, जैसे कि ये क्यों आता है, ऑटोगेमी क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर होता है। ये हमने अभी देखा कि ये एक ही फ्लावर के अंदर होता है, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होती है, लेकिन एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। तो ये जीटेनोगेमिक जो होता है वो डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब अलग अलग फूल तो अलग अलग होते हैं, एक फूल है, दो फूल है। ओके,
जरूरी नहीं है कि एक प्लांट पे एक ही फूल होते हैं, दो फूल होते हैं। जब एक ही फूल के द्वारा होता है तो वो क्या होता है, ऑटोगेमी। लेकिन जब दो अलग अलग फ्लावर्स में हो रहा है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स से, उसको क्या बोलते हैं, जीटेनोगेमी। दो अलग अलग फ्लावर से एक ही प्लांट के, ओके। फिर है जीनोगेमी, ये किसका टाइप है, क्रॉस पॉलिनेशन का। ये दोनों किसके टाइप से, सेल्फ पॉलिनेशन की। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन इज अ कॉमन अमंगेस्ट एंजियोस्पर्म्स। द क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन सिमिलर स्पीसीज इज कॉल्ड जीनोगेमी। अब क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन वो कैसा होता है, जीनेटिकली और इकोलॉजिकली होता है। क्रॉस पॉलिनेशन तो आप समझ गए होंगे, दो अलग अलग, तो वहां पर कैसे पॉलिनेशन होता है, वो यहाँ पर जीनेटिकली और इकोलॉजिकली यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, इन दिस फ्लावर पोलन ग्रेन बिगिन कैरिड बाय डिफरेंट एजेंट। यहाँ मैंने आपको एजेंट के बारे में बताया है, वही हम आगे पढ़ेंगे कि एजेंट क्या होते हैं। यहाँ पर आगे हम क्या पढ़ेंगे, एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट एजेंट लाइक इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, एनिमल्स, देखा होगा आपने एनिमल्स, इंसेक्ट, मधुमक्खियां वगैरह एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, ओके। उस टाइप से हो सकता है, एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स अपने खाते हैं या एनिमल्स पे लग के जा सकते हैं, विंड, वाटर, हवा और पानी के द्वारा भी हो सकता है। टू अचीव क्रॉस पोलिनेशन दो फ्लावर ऑल्सो सिक्योर वेरियस एडेप्टेशन। इन सबके द्वारा क्या हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन इज द कॉमन अमंग एंजियोस्पर्म्स। द क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन सिमिलर स्पीसीज इज कॉल्ड जीनोगेमी। ओके, क्या होता है कि इन जो इंसेक्ट, एनिमल्स, विंड और वाटर, इन सबके द्वारा भी पोलिनेशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम जीनोगेमी। अब क्या होता है, पोलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होती है, एजेंट क्या होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।